कल से NBA का सीजन शुरू होने वाला है। उससे पहले हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं रिगार्डिंग वेरियस अवार्ड्स, जैसे सिक्स मैन ऑफ द ईयर, रूकी ऑफ द ईयर, MVP, और इन सब में हम सिर्फ तीन प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। और बाय द एंड ऑफ द ईयर हम इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और लेट्स सी कि हम लोग कितने सटीक होते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली कैटेगरी है सिक्स मैन ऑफ द ईयर, और इसमें सीधे से तीन क्वालिफिकेशन है। पहला, जॉर्डन पूल, इनको जस्ट $140 million का एक्सटेंशन मिला है। पिछले साल जब स्टेफ नहीं खेल रहे थे डेनवर के अगेंस्ट प्लेऑफ सीरीज में, ही जस्ट प्लेड फिनोमिनली। इसके बाद मेरी दूसरी प्रेडिक्शन है नॉर्मन पावल। अगर ये क्लिपर्स के अलावा किसी दूसरी टीम में होते तो शायद एक स्टार्टिंग प्लेयर होते, बट द क्लिपर इज टैलेंटेड एज हेल, तो इसीलिए जब भी लोड मैनेजमेंट की वजह से PG या कवाई नहीं खेलेंगे, ही विल बी प्लेइंग। इसके बाद थर्ड नंबर पे है विक्टर ओलेडीपो। इनको विजर्ड्स की टीम से एक स्टार्टिंग पोजीशन ऑफर हो रही थी, बट ही डिनाइड बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रूव थिंग्स इन हीट। अगला अवार्ड है मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का, और इसको पिछले साल NBA ने बुरी तरह से रूइन कर दिया। जा मोरांट को देखिए, आप पिक नंबर 2 से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी कोई लॉटरी पिक होती है, एक्सपेक्टेड होता है कि वो एकदम ब्लास्ट निकलेगा रादर देन बीइंग अ बस्ट। आप एक लॉटरी पिक, एक नंबर 2 पिक जायन विलियमसन के बाद बेसिकली फिक्स था कि जा विल बी ड्राफ्टेड। एक फ्रेंचाइज फेस को ये अवार्ड देते हैं। इस लॉजिक के हिसाब से लेब्रॉन जेम्स को भी ये अवार्ड मिलना चाहिए था। अपने डेब्यू सीजन में उन्होंने 20.9 पॉइंट्स पर गेम स्कोर किए थे। उसके अगले सीजन में ही स्कोर्ड मोर देन 27 पॉइंट्स पर गेम। तो क्या इस लॉजिक से लेब्रॉन जेम्स को भी अवार्ड देना चाहिए? नो, हेल नो, बिकॉज ही इज पिक नंबर 1 एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। सो इज पिक नंबर 2। किस लॉजिक से अवार्ड दिया गया? आई एम कंप्लीटली फक्ड अप आफ्टर वॉचिंग दैट। और आप ऑनेस्टली मुझसे पूछिए तो मेरे हिसाब से सिर्फ दो ही कंटेंडर हैं। एक हैलिबर्टन, क्योंकि पेसर्स की टीम टैंक कर रही है, and he'll get ample of time to prove himself. और उनके अलावा उस टीम में एक्चुअली कोई नहीं है। और दूसरे वो किसी की टीम के जॉश की टीम, बिकॉज दे विल ऑल्सो बी टैंकिंग। चेट इंजर्ड हो चुके हैं एंड द थिंग वी वॉन्टेड टू सी कैन नॉट बी सीन एनी मोर, एंड द मैन इज अ फ्यूचर ऑल स्टार फॉर श्योर। डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर इस कैटेगरी में ऑब्वियसली रूडी गोल्डबर्ट एकदम टॉप पे रहेंगे, और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ही इज इन मिनेसोटा एंड ही विल बी स्लेइंग द वे ही यूज्ड टू स्ले। उनका गेम कभी ऑफेंस नहीं था, ही हैज ऑलवेज बीन अ डिफेंसिव प्लेयर। दूसरे प्लेयर है बैम एडबायो। ही वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ विनिंग डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर लास्ट ईयर, और इस साल भी ही विल बी प्लेइंग लाइक सेम डीमन ही इज। बैम पिछले साल थोड़े हेल्थ इश्यूज से जरूर गुजर रहे थे, बट होप सो ही डज वेल दिस ईयर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंथनी डेविस। एंथनी डेविस जब भी हेल्दी होते हैं, ही इज अ डिफेंसिव बीस्ट। और अब कोच हैम आए हैं, वो भी बक्स की टीम से, और बक्स की टीम अपने डिफेंस के लिए जानी जाती है। तो ये देखना बहुत ही मजेदार होगा कि वो कैसे एंथनी डेविस को यूज करते हैं। रूकी ऑफ द ईयर की बात करते हैं। जब से चेट इंजर्ड हुए हैं, सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ वही इकलौते प्लेयर थे ड्राफ्ट में, पर वो लोग सो रहे हैं बाकी प्लेयर्स पे, जैसे कीगन मरी। समर लीग के MVP एंड ESPN की टॉप 100 प्लेयर्स की लिस्ट में ऑलरेडी। इसके अलावा पैलो बैनकेरो और जेडन आईवी भी, और जवारी स्मिथ को शायद मैं नंबर 4 पे रखूं, बिकॉज स्टिल आई हैवंट सीन दैट काइंड ऑफ अ गेम विच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। ही वेंट फ्रॉम पिक नंबर 1 टू पिक नंबर 3 एंड व्हाट्स गोना हैपन विद हिम, गॉड नोस। करते हैं MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर की। इसके लिए सिर्फ मेरे 3 नॉमिनेशंस हैं। पहला लुका डोंचिच, दूसरा जोएल एम्बीड, और तीसरा केविन डुरांट। लाइक पीपल आर सीरियसली स्लीपिंग ऑन हिम। ही हैज प्रोबेबली द बेस्ट टीम अराउंड हिम, बेन सिमन्स। लोग भूल जाते हैं कि बेन सिमन्स इज अ डिफेंसिव बीस्ट, ही इज अ गुड पासर, और लोग उनको सिर्फ इस समय हेट कर रहे हैं बिकॉज ही डिडंट प्ले लास्ट सीजन, एंड दैट इज एन ऑब्वियस रीजन। बट एज अ प्लेयर क्या बेन सिमन्स अपनी वैल्यू खो चुके हैं? हेल नो। उसके अलावा काइरी अर्विंग, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट दैट मैन। और केविन डुरांट के साथ नेट्स की टीम विल बी एमिंग फॉर द टॉप 4 सीड। इसके अलावा जोएल एम्बीड, पिछले 2 साल से जोकर की वजह से जोएल एम्बीड अपना MVP अवार्ड मिस कर रहे हैं। फिली की टीम एक बैलेंस्ड टीम लग रही है, एंड ऑनेस्टली वो शायद फर्स्ट या सेकेंड आएगी लुकिंग एट द करंट ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस। दे हैव हार्डन, दे हैव मैक्सी एंड सो ऑन एंड ऑन। और मेरे फेवरेट लुका डोंचिच, और इसके पीछे एकदम सिंपल सा रीजन है, Mavs have no reliable player like Luka Doncic. उन्होंने वुड को जरूर साइन किया है, पर वो उनको यूज करेंगे एज एन सिक्स्थ मैन, जैसा कि अभी रिसेंटली पता चला था। लुका पिछले प्लेऑफ्स में माइकल जॉर्डन के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर रहे थे, एंड दैट इज हेल ऑफ इंटरेस्टिंग। लुका हैज बीन अ जनरेशनल टैलेंट, और इसमें कोई दो राय नहीं।